कि टेम्परेचर का कंडक्टर के ऊपर क्या अफेक्ट है, उसकी रेजिस्टेंस पे क्या अफेक्ट है। अब हम बात करते हैं टेम्परेचर इंक्रीज करने से सेमीकंडक्टर्स पे क्या अफेक्ट है। देखो इंसुलेटर तो डिस्कस करके फायदा ही नहीं है, इंसुलेटर को फर्क नहीं पड़ता उसने कौन सा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करनी है, फर्क किसे पड़ेगा, सेमीकंडक्टर जिसका बिहेवियर कंडक्टर से डिफरेंट है, कंडक्टर अलग चलता है सेमीकंडक्टर अलग चलता है। तो सेमीकंडक्टर्स के अंदर क्या है, इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स रिलैक्सेशन टाइम टाउ डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर, इसे अंडरलाइन कर लो। सेमीकंडक्टर में एवरेज रिलैक्सेशन टाइम पे टेम्परेचर इंक्रीज करने पे कुछ फर्क नहीं पड़ता, जबकि कंडक्टर में टाउ कम हो जाता है, सेमीकंडक्टर में इंडिपेंडेंट है, कोई फर्क नहीं है। तो इसका मतलब क्या, रेजिस्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पड़ेगा, क्योंकि सेमीकंडक्टर की क्या प्रॉब्लम है, सेमीकंडक्टर सिलिकॉन सिलिकॉन या जर्मेनियम जर्मेनियम से बना होता है, सिलिकॉन सेमीकंडक्टर है, ये ऐसा एटम है अगर आप हल्का सा टेम्परेचर रूम का इंक्रीज कर दें तो इस एटम के इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं। अब धूप में रखें, मैं तो टेम्परेचर रूम का इंक्रीज करने की बात कर रहा हूं, धूप में रखोगे तो जबरदस्त उसमें जितने लाखों करोड़ों एटम्स हैं उनमें से इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होने स्टार्ट हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं, तो बहुत जबरदस्त कंडक्टर की तरह काम करता है। लिहाजा कंडक्टर भी नहीं कहेंगे, कंडक्टर बोल दिया तो फिर सेमीकंडक्टर कैसे रहा, थोड़ी अलग प्रॉपर्टी है इसकी, वैसे हम डिस्कस करेंगे सेमीकंडक्टर चैप्टर में। बस ये समझो कि अगर आपने इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया लाखों इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाएंगे, फ्री हो गए, तो वो यही तो कह रहा है टेम्परेचर से कोई टाउ में फर्क नहीं पड़ेगा, नंबर डेंसिटी नो नंबर है, नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एन इंक्रीजेस एक्सपोनेंशियली विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम जबरदस्त इंक्रीज हो जाते हैं। और अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम बहुत इंक्रीज हो जाते हैं तो हमने ये ओम लॉ में रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला किया था, रेजिस्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ या रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ थी, टाउ का तो इस पे कोई फर्क पड़ता नहीं टेम्परेचर का, टेम्परेचर बढ़ने से किस पे फर्क पड़ रहा है, एन पे, एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, फर्क पड़ गया, तो अगर एन इंक्रीज हो गया तो रेजिस्टिविटी डिक्रीज होगी, रेजिस्टेंस डिक्रीज हो गई, बढ़िया हो गया, रेजिस्टेंस डिक्रीज होने से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ गई, तो सोलर पैनल तभी तो कामयाब है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी धूप में और ज्यादा बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। क्लियर है यहां तक, तो उल्टा बिहेवियर है, जो कंडक्टर का बिहेवियर है उससे बिल्कुल उल्टा बिहेवियर है इसका। नेक्स्ट है, अब वो और नॉलेज के लिए बता रहा है कि नंबर ऑफ जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम यानी कि जो एन है नंबर डेंसिटी, वो टेम्परेचर के साथ ऐसे इंक्रीज होती है, एन का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम दैट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर टी, वो ऐसे इंक्रीज होती है, एन एट बेसिक जो एन नॉट का मतलब है कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो बिल्कुल लो टेम्परेचर पे हैं जीरो केल्विन पे हैं, और ई रेस टू पावर माइनस ई जी, ई के पैर में जी है, एनर्जी गैप बोलते हैं इसे, के बी बोल्ट्समैन कॉन्स्टेंट है और टेम्परेचर टी है। इसमें वो ये बता रहा है क्योंकि उसने स्टेटमेंट में ये बताया था कि एन इंक्रीजेज एक्सपोनेंशियली, अब वो मैथमेटिकली बता रहा है कि देखो एन एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रहा है टेम्परेचर के साथ, आप जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये टर्म बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी, मैथमेटिकल फॉर्मूला बता रहा है ऐसे बढ़ती है। इसके अंदर ये सारी टर्म्स ठीक हैं, ये ईजी क्या चीज है, ईजी होता है बैंड गैप या एनर्जी गैप बिटवीन कंडक्शन एंड वैलेंस बैंड। ये कंडक्शन वैलेंस बैंड मुझे पता नहीं केमिस्ट्री में किए कि नहीं किए, पर हम सेमीकंडक्टर में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। शॉर्ट में बताना चाहता हूं कि जब कोई इलेक्ट्रॉन एटम के आखिरी शेल में होता है हम बोलते हैं वो कंडक्शन बैंड में है, सॉरी वैलेंस बैंड में है। जब उसको हल्की सी एनर्जी मिलती है वो एटम को छोड़ के चला जाता है और फ्री हो जाता है, तो वो कंडक्शन बैंड में है, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी क्या कर सकता है, कंडक्ट कर सकता है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया, वो कंडक्शन बैंड के अंदर माना जाता है, और जो बना हुआ एटम के अंदर वो वैलेंस बैंड में है जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब अगर मैंने एक एटम में से इलेक्ट्रॉन को फ्री करवाना है तो मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी, वो मिनिमम एनर्जी रिक्वायरमेंट किसी भी एटम की उस एटम पर डिपेंड करेगी। सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन फ्री करवाना है एनर्जी अलग है, जर्मेनियम का इलेक्ट्रॉन एटम में से फ्री करवाना है तो उसकी एनर्जी अलग है, ये तो एटम टू एटम डिपेंड करेगी। तो इसीलिए उसने क्या बोला, इस जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ताकि वो फ्री बन जाए, उस एनर्जी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बाय ईजी। अब ये हर की डिफरेंट है, चाहे जितनी भी होगी
टेम्परेचर बढ़ने से एन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ये फॉर्मूला बस एक बार देख लो, इसके ऊपर न्यूमेरिकल वगैरह कुछ नहीं आता। अगर ऑप्शन में सीधा मार्क करने को आ जाए तो आप मार्क कर सकते हैं, वैसे ही आता नहीं है, जस्ट नॉलेज के लिए बुक्स में लिखा हुआ है, तो हमने भी एक बार डिस्कस कर लिया। वैसे इतना ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैं फॉर्मूला याद भी करूं और उसको स्टडी करूं, इसके ऊपर कुछ नहीं आएगा, बस एक आइडिया है। तो रेजिस्टिविटी की वैल्यू वो कह रहा है, रेजिस्टिविटी अब हमने क्या देखा, रेजिस्टिविटी बढ़ती है, रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ बढ़ती है, और कैसे बढ़ती है एक और फॉर्मूला दे रहा है वो रो जीरो का, मतलब जब सेमीकंडक्टर जीरो केल्विन पे है तो रेजिस्टिविटी रो जीरो है, और थोड़ी देर बाद रो एट टी डिग्री टी टेम्परेचर पे है, तो एक्सपोनेंशियली रेजिस्टिविटी बढ़ती की वैल्यू कम होती जाती है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है। तो ये कुछ फॉर्मूलाज इसमें मेंशनड है, वैसे ये फॉर्मूला आता नहीं है कभी भी, बस दिखा दिया कि ऐसे इंक्रीज होती है, सारी किताबें दिखाती हैं। अब इसके अंदर एक स्टेटमेंट लिखी हुई है कि अगर एनर्जी गैप किसी एटम का सेमीकंडक्टर का 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है तो रेजिस्टिविटी एट रूम टेम्परेचर इज नॉट वेरी हाई एंड सब्सटेंस इज अ सेमीकंडक्टर, और अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है तो सब्सटेंस इंसुलेटर है। देखो ये ना आपको टर्म समझ में नहीं आएंगी क्योंकि सेमीकंडक्टर में समझ में आती है, मैं आपको सिंपल टर्म से समझाता हूं। आपके पास कई तरीके के सेमीकंडक्टर्स हो सकते हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम, बहुत एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स हैं। हर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, चाहे वो सिलिकॉन का चाहे जर्मेनियम का, जो भी आप लेके आएंगे, उसको अगर आपने बाहर निकालना है एटम से तो आपको मिनिमम एनर्जी देनी पड़ेगी, उस एनर्जी को ई ऑफ जी बोलते हैं। तो सिलिकॉन की जर्मेनियम की ई ऑफ जी डिफरेंट डिफरेंट है, और ये मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है ताकि इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन फ्री कैसे कर रहे हो आप, उसको टेम्परेचर बढ़ा के कर रहे हो। सेमीकंडक्टर में क्या करते हो, टेम्परेचर बढ़ा देते हो ताकि वो अपने आप ही टूट जाए और बॉन्ड टूट जाए, या ऐसे बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाए एटम में से। धूप में रख दोगे टेम्परेचर और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा इसमें। अब एक एटम ऐसा है जो कहता है लाओ तुम मुझे धूप में रख दो, मेरा एटम का इलेक्ट्रॉन निकाल के दिखाओ। क्यों? क्योंकि उस एटम को पता है कि मेरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको बहुत एनर्जी देनी पड़ेगी और धूप में इतनी एनर्जी है नहीं, तो आप उस इलेक्ट्रॉन को फ्री नहीं करवा पाओगे। लेकिन कोई एटम ऐसा है जो कहता है यार बस मुझे धूप में मत रखना, अगर रख दिया तो मैं बहुत कमजोर हूं, मेरा इलेक्ट्रॉन तो फटाफट टूट जाएगा, धूप में इतनी एनर्जी है। अब धूप में एनर्जी कैसे है, टेम्परेचर में एनर्जी कैसे है, लाइट जब गिरती है उसमें फोटॉन्स होते हैं और फोटोन की एनर्जी नियर अबाउट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होती है, तभी ये किससे कंपेयर कर रहा है, एक, क्योंकि रखोगे तो लाइट में, चाहे ट्यूब लाइट है चाहे कोई भी फोटोन तो गिरेंगे, फोटोन की एनर्जी से ही सेमीकंडक्टर काम करेगा। हम चाहते हैं कि लाइट की एनर्जी से ही इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएं। तो अगर आप ऐसा एटम यूज कर रहे हो जो इतना रिजिड है, जो कहता है जी लाओ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इलेक्ट्रॉन नहीं तोड़ता, तो आप इसका मतलब आपको जो लाइट के फोटॉन्स हैं वो सफिशिएंट नहीं है, इसका मतलब लाइट की एनर्जी कम रह गई और फोटोन की तोड़ने की एनर्जी जो सॉरी इलेक्ट्रॉन रिलीज करवाने की एनर्जी ज्यादा है। तो वही तो वो कह रहा है कि अगर बैंड गैप इलेक्ट्रॉन को रिलीज करवाने की एनर्जी किसी भी एटम की बहुत ज्यादा है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है, तो फिर आप समझो वो फ्री इलेक्ट्रॉन बनने वाला है नहीं, तो सब्सटेंस क्या एक्ट करेगा, इंसुलेटर। लेकिन अगर वो कम है, कम में क्या होगा, जो लाइट है उसके फोटोन की एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन को रिलीज करवाने के लिए एनर्जी क्या चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम चाहिए, वो तो टूट ही जाएगा, फिर इलेक्ट्रॉन तो निकल जाएगा, तो ऐसे केस में वो क्या करेगा, सेमी कंडक्टर, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि ये कैसे कंपैरिजन कर रहा है इसमें। और लास्ट फैक्ट है, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी अल्फा नेगेटिव है फॉर सेमीकंडक्टर, तो ये ऑप्शन में आ सकता है एनसीईआरटी में कि कंडक्टर के लिए पॉजिटिव है, सेमीकंडक्टर के लिए नेगेटिव है। और सेमीकंडक्टर की जो रेजिस्टिविटी है वो टेम्परेचर के साथ कैसे चेंज होती है, रेजिस्टिविटी टेम्परेचर बढ़ने पे कम 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 होती जाती है, एक्सपोनेंशियली कम होती जाती है। तो ये ग्राफ की वेरिएशन आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि जब आप इसका ग्राफ प्लॉट करोगे रो और टी का, ये मैथ्स वाले करते हैं नॉन मेडिकल वाले, एक्सपोनेंशियल ग्राफ रो और टी का, तो ऐसा कुछ ग्राफ बनता है। राइट, क्लियर है यहाँ तक, रो और टी का ऐसा कुछ ग्राफ बनता है। तो अगर ऑप्शन में मार्क करने को आ जाए तो ये याद करना है। एक क्वेश्चन बहुत फेमस है जो आता है बहुत बार पेपर CBSE NCERT में आता है कि अलॉयज लाइक कॉन्स्टेंटन
या मैग्नेन आर यूज फॉर मेकिंग स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कॉइल. जो रेजिस्टेंसेस होती है ना वो कॉपर की नहीं होती, वो इन दो मटेरियल की होती है, ऐसा क्यों? अब हमें एक क्या चाहिए, मान लो आप एक 2 ओम की रेजिस्टेंस ले आए और आपके पास एक ऐसा मटेरियल है जो बहुत सेंसिटिव है. सेंसिटिव कैसे है? आप रूम टेम्परेचर पे काम कर रहे थे, दिन दोपहर हो गई, दोपहर में टेम्परेचर बढ़ गया, उसकी रेजिस्टेंस ही बढ़ गई, आपको हो गया एक्सपेरिमेंट ही खराब हो गया. मैं 2 ओम लेके आया या 2.5 ओम करके बैठे हैं और शाम को टेम्परेचर गिर गया, रात को वो 1.5 ओम हो गई, आप कह रहे हो यार एक्सपेरिमेंट कहाँ से करूंगा मैं, या तो रेजिस्टेंस ही कंट्रोल नहीं आ रही मैं. आप ऐसे रेजिस्टेंस क्यों पसंद करोगे? अब वो पसंद करोगे अगर 2 ओम है तो 2 ओम ही रहे, ठीक है 0.01 इंक्रीज हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता. तो आप क्या चाहोगे कि ऐसा मटेरियल यूज हो जिसका अल्फा बहुत कम हो, क्योंकि जितना अल्फा कम होगा उतने इंक्रीज इन रेजिस्टेंस कम होगी, राइट? तो अल्फा कम चाहोगे. तो जब आप एलॉयज बनाते हो तो उसका अल्फा बहुत ज्यादा कम हो जाता है, तो टेम्परेचर के साथ ऐसी रेजिस्टेंसेस को कोई फर्क ज्यादा पड़ता ही नहीं है. तो यही तो क्वेश्चन है. ये इसका आंसर 3 रीजन दिए वैसे इसने. तो सबसे पहले मैं इसका आंसर ये लिखना पसंद करूंगा, दे हैव वेरी स्मॉल टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ रेजिस्टेंस, अल्फा इनका छोटा होता है, सो देयर रेजिस्टेंसेस डू नॉट चेंज एप्रिशिएबली इवन फॉर स्मॉल डिग्री ऑफ राइज इन टेम्परेचर. थोड़े बहुत टेम्परेचर से इनको कोई फर्क पड़ता नहीं रेजिस्टेंस को. और पहला रीजन क्या है, अलॉयज हैव वेरी हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी. तो रेजिस्टिविटी इनकी बहुत ज्यादा क्या होती है, हाई होती है, क्योंकि आपको रेजिस्टेंस कॉइल यूज करनी है. तो आप क्या चाहोगे, रेजिस्टेंस कम हो? नहीं, आप चाहोगे रेजिस्टेंस ज्यादा हो, तो रेजिस्टिविटी भी ज्यादा हो. अलॉय बनने से रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है, तो पहला रीजन. दूसरा रीजन, अल्फा कम होता है इनका. तीसरा, दे आर लीस्ट अफेक्टेड बाय एटमॉस्फेरिक कंडीशंस लाइक एयर. इनको नॉर्मल कंडीशन से कोई फर्क नहीं पड़ता. तो ये 3 फैक्टर्स हैं. 2 फैक्टर इंपॉर्टेंट है, पहले वाले कि हम क्यों यूज करते हैं ऐसे मटेरियल, ये समझ में आना चाहिए, राइट?